नमस्कार, आप देख रहे हैं हमnews और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही राज्य में 3000 से अधिक स्कूलों को बंद करने के अपने फैसले लागू करने वाली है। ये वाकई चिंता का विषय है। सरकार के इस कदम से 16000 से अधिक छात्र, जिनमें ज्यादातर आदिवासी हैं, वे बुनियादी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए निकटतम स्कूलों तक पहुंचने के लिए उन्हें परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन है, क्योंकि छात्रों को लंबी दूरी तय करनी होगी, जिससे स्कूल छोड़ने की दर बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार राज्य के कुल 3073 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या 10 से भी कम है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले कुल छात्रों में से 16334 के पास उनके रहने के 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल नहीं है। आदिवासी अधिकारी कार्यकर्ता विवेक पंडित ने कहा, सरकार का निर्णय आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करता है, क्योंकि कई छात्रों को निकटतम स्कूल तक पहुंचने के लिए 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। स्कूल नहीं जाने वाले 6 लाख बच्चों को पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। शिक्षा कार्यकर्ता और लेखक हरम्ब कुलकर्णी का कहना है कि यह दुखद है कि सरकार एक स्कूल में छात्रों की संख्या के आधार पर ऐसा निर्णय ले। परिवहन की सुविधा प्रदान करना एक सराहनीय कदम नहीं है। बेहतर होता कि सरकार किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन स्कूलों को सोशल ऑडिट करती। अमरावती जिले में चरण पारधी आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल चला रहा है। शिक्षक मतिन भोसले ने कहा कि यह एक बहुत बुरा निर्णय है। जिन इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे, वहां के स्थानीय लोगों को इस आदेश का विरोध करने के लिए एकजुट होना चाहिए। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।